हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कल उन्होंने टेस्ट दिया था, क्योंकि कल टेस्ट दिया था। आज हमने आपको रिजल्ट के बारे में बोला था कि आज रात 8 बजे आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारा क्या है कि बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया था, यानी कि 100 के लगभग बच्चों ने टेस्ट दिया है, 105 बच्चों ने टेस्ट दिया था, जिनमें से यानी सभी कॉपियाँ बहुत जल्दी चेक हो गई थी। कहाँ 500-600 बच्चे टेस्ट दिया करते थे, तो आज केवल आपका 105 बच्चों ने टेस्ट दिया है। तो जिनमें से 40 बच्चे हैं जिनकी फुल में से फुल मार्क्स आए हैं, क्योंकि त्यौहार का समय था इसलिए तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो इस वीडियो में सिर्फ उन बच्चों के नाम दूंगा मैं, उन बच्चों का फोटो दिखाया जाएगा जिन बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आए हैं, यानी कि आपका जितने 8 क्वेश्चन मैंने दिए थे, 8 डेरिवेशन थे, तो जिनके सभी डेरिवेशन ठीक है और राइटिंग वाइटिंग हर चीज़ अच्छी है, उन्हीं के नाम और पता वगैरह इसमें दिखाया जाएगा, यानी कि रिजल्ट में उन्हीं का नंबर है जिनके फुल में से फुल मार्क्स आए। और कुछ बच्चों के पास जिनकी गलतियां हैं उनके पास मैसेज पहुंच गया होगा, लेकिन जो कोई बच्चा ऐसा है जिसका कॉपी चेक नहीं हुई हो तो वो हमको कमेंट कर देना, तो हम उसकी कॉपियाँ चेक कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले रिजल्ट के बारे में देख लो कौन से वो बच्चे हैं जिनके फुल में से फुल मार्क्स आए हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सारे फोटो दिखाई देंगे। जिन बच्चों को फोटो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो वो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा ले, 720 तक चल रही है अब तो हमारी वीडियो को, मैं फुल HD में सेव कर रहा हूँ आजकल वीडियो को, तो आप पूरा जितना हो उसके मैक्सिमम क्वालिटी में देखेंगे वीडियो तो आपको फोटो क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले ये लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गेट फुल बाई फुल मार्क्स, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला जो फुल में फुल मार्क्स आने वाले, इन्होंने सबसे पहले कॉपी, इनसे हालांकि इनसे पहले कई कॉपियाँ आई थी और उनके फुल में फुल मार्क्स नहीं आए थे, यानी कुछ गलतियाँ थी। तो ये है विशाल पाल, झांसी UP से हैं, फुल में से फुल नंबर हैं, बहुत अच्छा काम था, राइट। नेक्स्ट ये है गर्मा देवी गौतम, फतेहपुर UP से, फुल में से फुल नंबर। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना, इन पे प्लस पॉइंट देना भूल गया, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, राइटिंग पे इनका प्लस पॉइंट है। तो आप लोग से मैं कहूँगा, इनकी सबकी अच्छी है लेकिन किसी की बहुत अच्छी होती है, तो जिसकी बहुत अच्छी है राइटिंग, अच्छा लगा देख के, ये लगता है कि हाँ बहुत अच्छी है, तो उनको मैंने प्लस पॉइंट दिए हैं। ऐसे कई ही बच्चे हैं जिनकी राइटिंग अच्छी है, राइट। चलेगा नेक्स्ट आपका आकांक्षा सिंह कन्नौज से, फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट हैं गौतम कुमार, ये फैसरा बिहार से हैं, फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम है। शायद इन्होंने ये पहली बार टेस्ट दिया है। मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे पहली बार टेस्ट दे रहे हैं या जिन्होंने कल पहली बार टेस्ट दिया था, तो वो कमेंट करना और हमें ये बताना, पहले वाले या पुराने सभी बच्चे कमेंट करके बताया करो कि टेस्ट में क्वेश्चन कैसे थे, टेस्ट देने का जो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, अब टेस्ट देना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास में मुट्ठी में भरा रेत जैसा समय बचा है, जो निकल गया सो निकल गया, जो रह गया सो रह गया, इसलिए अब बहुत जल्दी निकलेगा आपका समय और पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रैक्टिकल हुए और कब आपके एग्जाम आ गए। इसलिए अब पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए, हर रोज का टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, जितने टेस्ट लूँ मैं हर टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, राइट। तो कल आपको नया सिलेबस मिल जाएगा, परसों आपका फिर टेस्ट होगा, तो हर टेस्ट को अटेम्प्ट करो और सभी से ये अच्छे परसेंट चाहते हो तो टेस्ट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट शायद इन्होंने भी पहली बार टेस्ट दिया है, ये सत्यम त्रिपति चित्रकूट UP से, फुल में फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था, राइट। तो आप भी कमेंट करके बताना हमें कि टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नेक्स्ट स्वीटी कुमारी, ये हिसला नालंदा से है, फुल में फुल नंबर था, इन्होंने कोई फोटो नहीं लगाया लेकिन अच्छा काम था। नेक्स्ट आलोक शर्मा महाराजगंज UP से है, फुल में फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम है। ये तो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर टेस्ट देने वाले बच्चे रेगुलर टेस्ट देते रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो रेगुलर टेस्ट देते रहे हैं, और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं और वो अच्छे परसेंट चाहते हैं तो टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट दीजिए, सारा कुछ फ्री है। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ कॉपियों को चेक करना, फोटो बनाना, वीडियो बनाना, तो आपको क्या दिक्कत है टेस्ट देने में, लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं है। जो नहीं देना चाहता है बिल्कुल ना दे, और जो देना चाहता है वेलकम। अब यह है स्वाति सिंह चौहान मैनपुरी UP से, फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था।
नेक्स्ट अभिषेक कुमार, इन्होंने एड्रेस नहीं बताया है, तो एड्रेस भी आप मेंशन कर दिया करें कॉपी पर, और साथ में लिख कर भी मैसेज में टाइप भी कर दिया करें, ठीक है। तो ये अभिषेक शायद इन्होंने पहली बार टेस्ट दिया है, फुल मैच फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट शैलेश पासवान बलिया यूपी से, फुल मैच फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था, राइट। और ये तो शायद रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसी तरीके से आप लोग टेस्ट देते रहिएगा। टेस्ट के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जब आप पेपर में बैठा हो उस दिन पता चलेगा कि मनोज सर ने जो टेस्ट लिए थे ये तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा वो होगा, अफसोस होगा, यार हम टेस्ट नहीं दे पाए, टेस्ट में तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए बाद में पछतावा ना हो, पूरे टेस्ट देते रहिए। और सुप्रिया द्विवेदी बलिया यूपी से, फुल मैच फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट पलक गुप्ता औरैया यूपी से, इन्होंने फोटो नहीं लगाया था लेकिन इनकी देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा एक चित्र सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, बहुत अच्छा इन्होंने मतलब चित्र सभी बहुत अच्छे बनाए थे, चित्र का मतलब जो मिरर वगैरह के लिए फॉर्मूले के लिए जो बनाया था डायग्राम, सभी डायग्राम बहुत अच्छे बनाए थे, और राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, तो डेमो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत अच्छी राइटिंग थी, हेडिंग वेडिंग लगा के एकदम मतलब बहुत अच्छा था, राइटिंग में प्लस पॉइंट मिले हुए, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट आकांक्षा फतेह सिंह, ये फतेहपुर यूपी से, फुल में से फुल नंबर, राइट। इन्होंने फोटो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा था, फुल में से फुल मार्क्स हैं। नेक्स्ट अनुराधा कुशवाहा देवरिया यूपी से, फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था। और जो बच्चे जिन बच्चों का हाँ थोड़ा सा गलती है और उनको मैंने गलत बोल दिया, तो वो जिन बच्चों का नाम नहीं आया इसमें, तो वो ध्यान रखना, आपका टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार की, राइट। उनको अगले बार अच्छा करना और आपका नाम जरूर आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी यदि कोई दिक्कत है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके सारे सही हैं और ना तो गलती का मैसेज पहुँचा है ना ही इस वीडियो में नाम आया है, तो वो हमें कमेंट कर देना, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, यहाँ पर कमेंट कर देना, तो आपका जरूर सॉल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट रिम्पी यादव, फुल में से फुल नंबर हैं, बहुत अच्छा काम था। और इनसे हम बोलना चाहेंगे आप अपना एड्रेस भी मेंशन कर दिया करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ कहाँ से हैं, और कहाँ तक हमारा वो टेस्ट देने वाले बच्चे कहाँ कहाँ से टेस्ट दे रहे हैं, और हमें भी पता चलेगा कि हमारे वहाँ वहाँ के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है। अमन पाल कन्नौज यूपी से, फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था। और ये है विशाल चतुर्वेदी गोंडा यूपी से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था आपका। और ये अशोक कुमार सुल्तानपुर यूपी से फुल नंबर हैं। अशोक कुमार ने अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो दिया था, दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग पासपोर्ट साइज का नहीं, आप सेल्फी लेके दे दिया करो, अपना फोटो खिंचवा के दे दिया करो, बच्चों लड़कों को ज़्यादा शौक होता है फोटो खींचने का, पता नहीं क्या पासपोर्ट साइज का, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, जब मैंने आपसे बोला वैसा फोटो दे दी, ऐसा नहीं इसमें सही नहीं दिखाई देता, वो छोटा सा तो फोटो होता है, उसको जूम करके स्क्रीन शॉट लेके फिर इसमें लगाना पड़ता है, फिर वीडियो के बाद में तो और क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा काम था, बहुत बहुत बधाई, ठीक है, चलिएगा। कपिल देव अमेठी यूपी से, फुल में से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था। और फुल में से फुल नंबर आए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही काम होगा, और शायद इन्होंने भी पहली बार टेस्ट दिया है, ठीक है। सभी लोग कमेंट किया करो, पुराने स्टूडेंट रेगुलर टेस्ट देने वाले, कि आज का सर टेस्ट ऐसा था, क्वेश्चन कैसे थे, बहुत बेकार थे, अब बकवास टेस्ट, बहुत अच्छा था, इस तरीके से। यह है मोहित राणा अमरोहा यूपी से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम। नेक्स्ट आकाश राजपूत आगरा यूपी से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट आकांक्षा सागर मुरादाबाद यूपी से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था आपका। नेहा गुप्ता अलाहाबाद यूपी से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था। रिया ये अग्रहरी फतेहपुर यूपी से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट मोहम्मद फुरकान नवाबगंज बरेली यूपी से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था। आराधना यादव मानपुर जलाऊ यूपी से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट अंकित प्रताप कासगंज यूपी से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट कुलदीप साझापुर
यूपी से फुल में से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था। और ये हैं विभव विशाल, ये नाम कैसा है, दो नाम हैं या मतलब या लग रहा था समझ में नहीं आई। विभव विशाल अलीगढ़ यूपी से फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम है। ये तो हमारे पड़ोसी हो गए, खुर्जा और अलीगढ़ पास पास में ही है थोड़ी दूर, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम था ओवरऑल, आपको बहुत बहुत बधाई। और नेक्स्ट घनश्याम निषाद, फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था। शायद इन्होंने ये दूसरी बार टेस्ट दे रहे हैं शायद, मेरे को पता हो तो। बाकी आप लोग जिन्होंने एड्रेस नहीं मेंशन किया वो प्लीज़ अपना एड्रेस मेंशन कर दिया करें, अपना डिस्ट्रिक्ट तो बता ही दिया करें क्या कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, तो हमें पता रहेगा कि आप इतनी दूर से हमसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है। सुलेखा यादव, फुल में से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम है। अपना एड्रेस मेंशन कर दिया करो, जिन बच्चों ने एड्रेस नहीं मेंशन किया वो मेंशन जरूर किया करें ताकि हमें पता रहे। नेक्स्ट पंकज वर्मा, बरेली यूपी से फुल में से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट देखिएगा दिग्विजय सिंह, कानपुर यूपी से। इन भाई का फोटो आप दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने कोई बड़ा फोटो होगा उसमें से बीच में से फाड़ के और उसका फोटो खींच के भेजा है, और अपना फोटो खींच के भेज देते, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम था, फुल में से फुल नंबर पाए हो, और आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो बहुत अच्छा, ठीक है। विनोद कुशवाहा, झांसी से यूपी, यानी झांसी यूपी से फुल में से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम है विनोद। ये तो लड़का है यार, फोटो नहीं देते हो पता नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है विनोद। और ये है स्नेहा राजक, फुल में से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था। और बस इतने ही हैं आज की वीडियो में, सिर्फ इतने ही थे जिन्होंने फुल में से फुल नंबर पाए हैं। तो अब बारी आती है उन बच्चों की जिनके छोटे छोटे कम थे, रोहित, उमेश, ठीक है, राघव कुमार या क्या था, मतलब जो भी है ओवरऑल बात यह है उनकी थोड़ी छोटी मिस्टेक थी, उनका नाम इसमें नहीं है। तो अगली बार से छोटी मिस्टेक भी आप ना करें, और बहुत अच्छा कर रहे हो। कि देखो ऐसा होता है कि यदि छोटी सी गलती है और मैं उसको इग्नोर मार के आपको फुल में से फुल नंबर दे दूँ, तो आप अगली गलती करोगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप तो ये सोच में रहोगे यार हमारी तो कोई गलती नहीं है, फिर बोर्ड में नंबर कम आएंगे। लेकिन आप आज आप छोटी सी गलती कर रहे हो, मैं उस पर नंबर काट रहा हूँ आपका, तो इससे ये पता चलता है कि आप आगे याद रहेगा कि भाई हमारा इस गलती की वजह से नाम नहीं आया था, इस वजह से हमें फुल वेस्ट फुल मार्क्स नहीं मिले थे, तो हम ये गलती ना करें। और इसका बोर्ड में क्या फ़ायदा रहेगा, बोर्ड में इतनी हैवी तरह से कॉपी चेक नहीं होगी, तो आपको क्या है कि छोटी मोटी गलती होगी वो भी माफ़ कर दी जाएगी, और फिर आप इतने मजबूत हो जाओगे कि आप गलती करोगे ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, आप देखोगे पेपर में कि टेस्ट सीरीज और DPS से ही सारे क्वेश्चन जो कहते हैं आ जाएंगे, आपको कुछ ज़्यादा फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई जिन्होंने फुल में फुल मार्क्स लाए, और उनके लिए मेरा फिर से, जो बच्चे फुल में फुल नहीं ला पाए हैं तो उनको मैं बस यही है आशा करूँगा कि वो आगे ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और उसके बाद में फुल में फुल मार्क्स लेकर आएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ यदि 100 बच्चे 105 बच्चों ने टेस्ट दिया तो 105 के 105 बच्चों के नाम मैं बोलूँ ताकि उनके ही फुल में फुल नंबर आएँ, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत आपके ऐसा समझ लीजिए बोर्ड में स्कोर बढ़ा रहे हैं, आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है। आज तो मैं अटपटा सा लग रहा, लेकिन जिस दिन आप बोर्ड के पेपर में बैठोगे, बोर्ड के एग्जाम में जिस दिन बैठोगे, उस दिन आपके सामने बोर्ड का पेपर आएगा, तब आपको पता चलेगा अरे ये क्वेश्चन हमने कर रखे थे, उस दिन आपको इस जो टेस्ट दे रहे हो इसका फायदा तो उस दिन मिलेगा, बाकी तब तक तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बाकी यही है कि आप लोग मेहनत करते रहिएगा, और मैं निश्चित गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिन बच्चों के फुल में फुल मार्क्स आ रहे हैं तो वो 90+, 85+, 95+ ही स्कोर आने वाला है। तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहो, मैं अब एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स का टेस्ट लिया करूँगा। अब इंग्लिश का पहले अब तो केमिस्ट्री का टेस्ट लूँगा, उसके दिन बाद में इंग्लिश का टेस्ट होगा जिसमें मैंने शॉर्ट स्टोरी के 2-3 चैप्टर कराए थे, तो उनका पूरी तरह से कंप्लीट, 3 तो चैप्टर ही हैं शायद, उसमें 2 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, और उनके क्वेश्चन आंसर्स के टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।